करोड़ों के घाटे में चल रहा बिजली विभाग डिफॉल्टरों को लेकर एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जहां बिजली के लाखों रुपए के बिल ना भरने वाले के खिलाफ बिजली विभाग की टीम ने मोर्चा खोल दिया है और लगातार कॉलोनी, शहरों और गांवों में जाकर डिफॉल्टरों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ताज़ा मामला पानीपत के संजय चौक के पास का है, जहां बिजली विभाग की टीम ने जिन लोगों ने बिजली के बिल लाखों में नहीं भरे उनके खिलाफ कार्रवाई की और करीब 11 मीटरों को काट दिया। टीम का नेतृत्व कर रहे मदनलाल फोरमैन ने बताया कि डिफॉल्टरों को लेकर विभाग की तरफ से एक सूची दी, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमे ने एक अभियान छेड़ा है, जितने भी डिफॉल्टिंग है हर आदमी को एक एक पाई नेम लिस्ट बनाकर महकमे को दी है। ये सभी के किसी के हिस्से में फोरमैन हो या लाइनमैन हो या एलम हो, सभी को, किसी को 200 आदमियों की लिस्ट है, किसी के पास 100 की है, किसी के पास 250 की है, वो उन्होंने वे सभी ने क्लियर करने हैं। ये महकमे का ऊपर से इजाद है कि भाई किसी को भी बिल नहीं भरा उसका मीटर उतारो। आज मीटर उखाड़े हमने 11, अब तक 11 उखाड़े। तो इन 11 के ऊपर कितना था सर? इन 11 के ऊपर करीब 5-6 लाख रुपया। तो ये हमारे को 31 तारीख तक टारगेट दिया है, 31 तक ये सभी ने अपनी डिफॉल्टिंग लिस्ट की जरूरत करनी है। कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने बताया अगर उपभोक्ता बिल नहीं भरते हैं और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।